अच्छा तो यार मैं ना अभी ऊपर आया था, मेरी ये देखे कबूतर के ऊपर नज़र पड़ी है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखे मेरी अभी नज़र पड़ी है, पता नहीं किसी का आकर बैठा हुआ है। तो जो हम जो है ना अपने कबूतर खोल देंगे, आप पता इनको देख के बाहर आ जाए। तो बाकी ये हमारे वाइट वाले मुर्गे पता नहीं कहाँ से बाहर आ गए हैं, इनका दरवाज़ा खुल गया। चलो अंदर अपने घर में, चलो तुम भी चलो इधर, चलो चलो उधर 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 ये घर में चलो, हाँ तुम भी इधर आओ, चलो इधर को चलो। देखें इनको पता ना, इन्होंने खुद ही चल जाना वहाँ पर, इधर को आओ, कहाँ पर जा रहे यार। इसको मैं पकड़ के बंद करता हूँ, इसको जो मैंने बंद कर दिया। हम जो है ना अपने कबूतरों को खोल लेते, इससे पहले मैं आपको अपने रैबिट्स दिखा दूँ। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ना ये भी अच्छे हो गए, हमारे साथ फ्रेंडली हो गए हैं। आपको पता जब मैं लेके आया था बिल्कुल ना छोटे छोटे से, हमसे डरते बहुत थे, लेकिन आप देखें माशाल्लाह हमारे साथ फ्रेंडली हो गए हैं। ये देखें ये भी आ रहा है, तो माशाल्लाह ये भी हमारे साथ फ्रेंडली हो रहे हैं। चले अच्छी बात है, हो रहे हैं क्योंकि हमने इनको खाना पिलाना होता है। तो आज जो आपको पता है, तो मेरी डब जो है ना कल बैठी हुई थी टोकरी के ऊपर, तो माशाल्लाह इसने जो है ना अंडा दे दिया। तो इसने ना सुबह टाइम अंडा दिया था, जब मैं सुबह फीड डाल के गया था तब अंडा नहीं आया था, जब मैं थोड़ी देर पहले आया ना शाम टाइम तब अंडा आया था। तो कबूतर अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ है, तो बैठे रहते कोई नहीं, 12 कबूतर होते हैं ये, पता नहीं किसी के होते हैं बाजी वाले कबूतर, लेकिन मेरी इस तरह की शौक नहीं है। हम अपने वैसे कबूतर खोल देते हैं बाहर, क्या पता इनको देख के आ ही जाए। मैंने जो है ना कभी ज़िंदगी में ना कबूतर कभी ट्रैप नहीं किया, जो बाहर आ जाओ कबूतरों सारे पीछे हो रहे यार, क्यों तंग कर रहे हैं सारे को। तो मैंने जो है ना पहले कभी कबूतर ट्रैप नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम आया हमारे वहाँ पे, एक दफ़ा आया था हमारे घर पहले भी कबूतर ना, लेकिन मैंने पकड़ा नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हम सभी लोग, तो सारे खैर से होंगे, मैं भी खैर से। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अभी आया था पर मेरे जाना, फिर वो कबूतर को नज़र पड़ी थी, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं। ये देखें छोटा सा नज़र आ रहा होगा, ये बैठा है, तो इसको भी हम देखते हैं घर आता है ना। तो ये कबूतर तो मैंने बाहर खोल दिए, देखते हैं आते हैं कि नहीं। तो बाकी आप लोगों को पता होगा कि कल मैंने इनकी पेटियाँ वगैरह बना दी थी, इन्होंने देखा माशाल्लाह अपनी जो है ना पेटियाँ जो है ना मलना शुरू भी कर दी, ठीक है। तो कल हमारी वो वाली फीमेल एक बैठी हुई थी, वो कहाँ पर गई, वो बैठी हुई है, कल हमारी ना फीमेल बैठी हुई थी, इसके ऊपर अंडों के अंडे तो नहीं फिलहाल दी है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएँ, बाकी हमारी बतखों ने पता नहीं शोर को डाला हुआ है, तो वो कबूतर जो है ना उड़ गया है मेरे ख्याल से, हाँ उड़ गया कबूतर वो, चलें जहाँ मर्जी जाए हमें, क्या कौन सा मारा कबूतर था वो तो उड़ गया पर, ठीक है बाकी जहाँ मर्जी चल जाए, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा सा ना बाजरा डालता हूँ, क्योंकि इन्होंने शोर ही डाली जाना सारों ने, सारा को ना मैंने बाजरा डाल दिए। ये देखें कबूतरों को नहीं मैंने डाला, मैंने कहा बाहर आ जाए, मैं फिर इनको डालूंगा। तो ये बाहर आके ना फिर इनको डालता हूँ, ये बाहर ही नहीं आ रहे वैसे, ये देखें हमारे बाकी सारे परिंदे खा रहे हैं। तो मैंने आपको कल भी दिखाया था हमारे ये जो है ना बतखे ना पर आ रहे हैं, ये देखें ये वाली साइड से आ रहे हैं पर इसके, ठीक है। पहले जो थे ना वो टूटे नहीं हैं, उसके ऊपर ही और आई जा रहे हैं, और बाकी हमारी मुर्गियों के भी आ रहे हैं, ठीक है। जिन जिन के उतरे हुए थे ना उन सारों के आ रहे हैं पर, ये देखें माशाल्लाह इनके भी जो आ रहे हैं ना, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना इनके पर नहीं है, ठीक है। और जो जो हमारे परिंदे थे ना गंजे, जिनके पर नहीं आते ऊपर, उन सारों के पर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये बाजरा वगैरह खा रहे हैं अपना, तो हमारे कबूतर बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आ जाओ यार बाहर आ जाओ, इनको मैं ना स्टिक के साथ रखना हूँ, लोग मैं ये पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। हमारे जो ना भी मुर्गियों ने ना हमला बोल देना इसके ऊपर हल्ला। चलो आ जाओ बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ आ जाओ। चलो कौन आ गए, आ जाओ आ जाओ इधर से इधर से इधर से। पानी वगैरह भी मैंने बाहर रखा हुआ, बस ये बाहर आ जाएं, वो कबूतर आने शुरू हो गए बाहर, ठीक है। एक आ गया बाहर, ये देखें मुर्गी पीछे पड़ गई उसके, ये एक आ गया बाहर, बाकी भी इसको ना देख कर आ जाना, वो देखें सारे आ रहे हैं इसके पीछे, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते, खुद ही आ जाएँ बाहर। ये देखें एक और आ रहा है बाहर ना, वो बतक चलेगी उसके पीछे, उसको तंग करने। देखिए एक और आ गया बाहर, इसने भी उड़ के जाना, इस तरह नहीं जाना। ये देखिए एक और आ गया, इसी का ही मेल ना फीमेल आ गई बाहर, ये एक और आ गया, वो सारे आ रहे हैं चले बाहर, ये दो रह गए, ये भी आ जाना बाहर, ये देखो माशाल्लाह ये भी आ जाए बाहर। तो हम इन कट्ठों को सारे बाजरा डालते हैं, आप लोगों ने बाहर नहीं आना, ठीक है। मैंने इनको बाजरा डालना, ये तंग बहुत करते हैं यार इनको ये सारे ना, देखना मैंने बाजरा डालना इनको, इन्होंने सारों ने उनके पीछे आ जाना है। अभी मैंने बाजरा डाला भी नहीं पहले, उससे सारे बाहर पहुँच गए। चलो अंदर चलो, इधर आ जाओ इधर, अंदर अंदर अंदर, इनको तंग नहीं करना। तुम मुर्गे तुम्हें लाता से बताना, मैं बाहर नहीं आना किसी ने, ठीक है। इनको मैं बाजरा डाल के ना फिर इनकी तरफ ही छिड़ा तुम दोबारा से, ये लोग खाओ बाजरा। चले वो अच्छी बात अपना खा रहे हैं अंदर, हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ताकि बाहर ना आए, बाकी हमारे कबूतर वगैरह बाजरा खा लें, हम इनके पास ही खड़े हैं, ठीक है। पानी भी इनके पास ही पड़ा हुआ, ये देखें मुर्गा पीछे से निकल ही गया, ये देखें। चलो यार उधर तुमने इनको तंग करना, मुझे पता नहीं इसलिए इनको, चले बाजरा वगैरह खा ले, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये मुर्गों ने हमारे तंग करना है, मैं इनके पास ही खड़ा हूँ। मैंने आपको बताया था हमारी डब ने जो है ना अंडा दे दिया था, तो मैं आपको दिखाना भूल गया था, अभी नीचे आइए खाना खाने के लिए, सिर्फ मैंने आपको एक दफ़ा दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हमने इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। मैंने एक दफ़ा जब मैं सुबह बाजरा डाल रहा था ना, मेरी तब भी एक दफ़ा नज़र पड़ी थी, मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देता हूँ। बस इन्होंने जो है ना अभी तक एक अंडा ही दिया है, तो
तो ये देखें माशाल्लाह भी एक ही अंडे पड़ा है, बाकी ये अपना यहाँ पे खा रहे हैं बाजरा है। देखें मैंने इनको थोड़ा सा नीचे डाला बाजरा, तो बाकी खा लें। वो देखें मुर्गे दोबारा मारे फिर बाहर चले गए। और यार चलो यार दूर, इनको लगा मैंने अंदर इतना ज़्यादा बाजरा डाला इन्होंने फिर आगे उनका ही ना बाजरा खाना है, इन्होंने सारों को तंग करना होता है। तो यार बस ना एक इनका केज रह गया, मैं भी आपको डेली कहता हूँ कि इनका केज रह गया। मुझे अभी तक इनके ना वो फटियाँ वगैरह नहीं मिल रही हैं, जिससे मैंने वो पहले पहले केज बनाया ना, इस तरह की मैं कहूँ कोई फटियाँ मिल जाए मजबूत, हम उनका केज बनाते हैं, लेकिन अभी तक ना मुझे कोई फटियाँ नहीं मिल रही। तो जिस तरह मिलेगी ना हमने इंशाल्लाह इनका केज मुकम्मल कर देना है। तो बस मुझे फटियों की देर है, ठीक है। बाकी मैंने आपको उनका अंडा भी दिखा दिया, तो मुबारक हो इन्होंने दोबारा मारे इन्होंने अंडा दे दिया। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही क्योंकि उन्होंने पहले ज़ाया कर दिए थे सारे अंडे, तो इस दफ़ा हमने इनकी टोकरी भी ज़रा सेफ जगह पर लगाई है, इनको कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो बस अपना वहाँ पे अंडे दें और दें उसके ऊपर अंडे, उसके ऊपर बच्चे निकालें। हमारी बस एक दोबारा बाहर आ रही है, चलें ये खा पी लें सारे ना बाजरा, फिर हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते। चल अंदर जाना, अंदर इधर नहीं जाना, इनको तंग नहीं करना। मैं जो इनको रोज़ाना बाजरा डालता हूँ, ये मुर्गियाँ वगैरह बतख वगैरह सारा खा लेती हैं, हमारे वो कबूतर खा ही नहीं सकते। इनको अंदर ही केज में देना पड़ता है, फिर ही सुकून से खाते हैं, बाहर वाली साइड पर बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। तो अपने मैंने रैबिट्स को डालना ही भूल गए, देखे देखे क्या कर रहे हैं रैबिट जो हमारा जो ना ऊपर चल रहा है। चलें मैं इनको भी थोड़ा सा बाजरा डालता हूँ, मैंने जो सारों को बाजरा डाल दिया, इनको नहीं डाला, तो मैं इनको भी बाजरा डालता हूँ। बाकी हमारा रैबिट देख के अंदर किस तरह छलंगे मार रहा है ना, मैंने बाजरा डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। मैंने कहा खा लें अपना रात का गुजारा करें। तो इनको भी ना मैं पालक ला के डालनी है, लेकिन अब नहीं डालनी, इनको सुबह टाइम डालेंगे, क्योंकि मैंने इनको कल सुबह भी खिलाई थी, आज सुबह भी खिलाई थी। तो मुर्गी हमारी बाहर चलेगी, अब खा रहे हैं चलें, क्योंकि इन्होंने सारा बाजरा खा लिया मुर्गियों ने, हमारे पिजन ने ना सारे ही बाजरा खा लिए। तो अब यहाँ पे घूमी फिर जाए, अब कोई मसला नहीं, देखो कोई बाजरा नहीं पड़ा। तो अभी ये जो थोड़ा बहुत इनका जो छोटा छोटा बाजरा पड़ा था वो खा लें। तो वो जो वहाँ पर कबूतर बैठा था ना वो भी उड़ गया, तो उनके लिए मैंने खोला था, लेकिन चले वो उड़ गया, कोई नहीं। तो वो कौन सा कोई हमारा था। बाकी आजकल जो है ना मौसम जो है ना ठंडा होने लग गया, तो इनके जो ऊपर ना पीछे जो है ना शीट लगानी पड़नी है, शीट जो इनकी ले गए हैं वो शापर में पड़ी हुई है यहाँ पे, तो वो मैं इनके पीछे लगानी है। तो जो पहले बारी पड़ी है वो हम साइडों पर लगा लेंगे, जो इनके ऊपर बारिश का पानी नहीं आया, ठीक है। तो मैंने जो आपको कल बताया था कि हमने इसको जो है ना थोड़ा सा नीचे करना है, बस वो टाइम नहीं लग रहा, तो हमने जो है ना इसको 6-6 इंच काट के ना इसको थोड़ा नीचे कर देना, जो हमारी साइडें जो है ना तरपाल की वो क्लियर हो जाएंगी, जिस तरह ये सारी साइडें खाली है ना ये वाली, ये सारी क्लियर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन और हैं, तो हम ये काम करेंगे, बस फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। बाकी जो डीली वगैरह जो है ना तरपाल, ये भी बिल्कुल सेट हो जाएगी, ये देखें ना जिस मैंने खींची है ना, इस सारी सेट हो जाएगी, उधर वाली सेट पे भी ना सारी सेट हो जाएगी। तो बस एक काम ही है, वो भी हमने इंशाल्लाह कर लेना। तो ये जो हल्का फुल्का बाजरा पड़ा है ये भी खा लें, बाकी इनके पास पानी भी पड़ा हुआ है। जो ना खोले ना, अब काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, अब ना हम इनको बंद कर देते हैं, ठीक है, कबूतरों को, क्योंकि इन्होंने सारा दाना वगैरह भी खा लिया, ठीक है। चलो अब इनको हम बंद करते हैं, चलो आ जाओ एक मिनट, चलें यहाँ से ना इनको डरा के अंदर भेजते हैं। चलो चलो अंदर चलो, चलो इनका मैं पहले केज खोल के आता हूँ, नहीं तो जो हमारे बतख जो है ना इन सारों ने इनको तंग करने लग जाना। ये स्टिक मैंने सिर्फ इनको डराने के लिए रखी है, मैं कोई परिंदों वगैरह को मारता नहीं हूँ, ये ना समझना कि मैं परिंदों को मारता हूँ, इतना भी नहीं कोई जालिम होता। चलो हम इनको खोल दी, बाकी हम इनको पकड़ के ले गए। तो चलो तुम लोग तो इधर हो जाओ यार, ये जो होते हैं ना सबसे पहले अपनी हाजिरी लगवानी होती है। चलो चलो अपने अपने घर चलो चलो, ये जो उड़ने वाला जो इनका काम है ना ये ख़राब है, ये उड़ के दोबारा पीछे आ जाते हैं। चलो चलो वो मुर्गा देखे दोबारा इनके केज में चले गए, यही इनका बड़ा मसला है। चलो यार इधर किधर के, ये देखिए देखे ना, मैं इनको इतनी मुश्किलों से घसीट के सारों को वहाँ पर लेके आऊँ, ये उड़ के दोबारा इधर को आ गए। चल यार क्यों तंग कर रहा है,
चलो 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 अंदर 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 जाना अंदर। चल तुम भी अंदर, इसका भी पार रहे हैं, ये भी उड़ता है, ये वाला जो कबूतर जो है ना इसका भी पार रहे हैं। वो देखो मुर्गा अभी भी अंदर ही है। चलो बाहर आओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मुर्गे जैसे आ जाओ। चलो बाहर, ये लो जी हमारे कबूतर भी अंदर आ गए। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, एक चीज को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे कबूतर अंदर आ गए माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि जो हमारी जो डब जो है ना ये कितने दिनों में बच्चे निकालती हैं। मुझे वैसे पता तो है, अंदाजन भी ना मेरे ख्याल से जो है ना 17 से 20 दिनों में निकाल लेती हैं। तो वैसे फिर भी आप मुझे ना कन्फर्म बता देना कि कितने दिनों में निकालती हैं। बाकी अपने बाजे वगैरह हालें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।